हार्डवेयर मॉनिटरिंग एक काफी अच्छा तरीका है अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करने का। इससे आपको बॉटलनेक एंड थर्मल थ्रॉटलिंग जैसे इश्यूज को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और इन फ्यूचर आपको कौन सा हार्डवेयर अपग्रेड करना चाहिए इन सिस्टम इश्यूज को दूर करने के लिए, वो भी आपको मॉनिटरिंग से ही पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोसेसर कॉन्स्टेंटली 100% पर जा रहा है किसी भी हैवी टास्क के दौरान, तो वहां पर रैम अपग्रेड करके आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। वहां पर प्रोसेसर ही हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। और ये चीज हमें पता कहां से चलती है? हार्डवेयर मॉनिटरिंग से। खैर, सबसे इजी तरीका है हार्डवेयर को मॉनिटर करने का कि आप टास्क मैनेजर खोल लो किसी भी हैवी टास्क के दौरान, और वहां से आपको एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सी चीज है जो 100% यूज हो रही है, या कौन सी ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा रिसोर्स ले रही है। लेकिन अगर वो टास्क फुल स्क्रीन वाला हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग फुल स्क्रीन पर होती है, इवन दो उस पॉइंट पर भी आप टास्क मैनेजर को यूज कर सकते हो। टास्क मैनेजर की सेटिंग में होता है कि आप उसकी ओवरले को ऊपर रख सकते हो बाकी एप्लीकेशन से, लेकिन कुछ गेम्स ऐसी हैं जो ऐसे काम नहीं करती अगर आपका टास्क मैनेजर खुला है। देखो, जिनके पास तो ड्यूल मॉनिटर सेटअप है उनको तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, वो अपने सेकेंडरी मॉनिटर में कोई भी एप्लीकेशन खोलकर अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही मॉनिटर है और आप भी अपने सिस्टम को मॉनिटर करना चाहते हो, तो MSI Afterburner एक काफी अच्छा सोल्यूशन है अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से मॉनिटर करने का। प्लस इससे आप FPS भी चेक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि MSI Afterburner को अच्छे तरीके से कैसे सेटअप करना है, कैसे आप उसके साथ अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो, कैसे आप खाली अगर FPS ही देखना चाहते हो वो भी कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में हम इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना और फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। करें फिर सेटअप, चले। सो सबसे पहली चीज, हमें इस प्रोग्राम को जिसका नाम है MSI Afterburner, इसे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली आपको ये दोनों प्रोग्राम चाहिए, MSI Afterburner एंड रीवा ट्यूनर, और ये दोनों ही ज़रूरी है। इवन तो यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है, लेकिन ये दोनों प्रोग्राम आपके लिए ज़रूरी है। तो जस्ट इसे इंस्टॉल कर लेना है। जब दोनों प्रोग्राम इंस्टॉल हो गए, आपको MSI Afterburner ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। तो यहाँ से अपना GPU सिलेक्ट कर लेना है, अगर सिलेक्टेड नहीं है। अगर आप लैपटॉप पर हो तो शायद आपको दो ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप PC पर हो फिर आपको सिंगल ही ऑप्शन आएगा। तो यहां से GPU सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है मॉनिटरिंग में, और यहां पर बेसिकली हम जो भी अपनी सेटिंग इन गेम देखना चाहते हैं, जिस जिस चीज को हम मॉनिटर करना चाहते हैं, वो सारा कुछ यहां पर सिलेक्ट होगा। तो अगर हम GPU का टेम्परेचर इन गेम देखना चाहते हैं कि किस टेम्परेचर पर GPU जा रहा है, तो हमें जस्ट इसे शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहां पर जितनी भी चीजें आप इन गेम देखना चाहते हो, आप इन गेम मॉनिटर करना चाहते हो, जैसे कि GPU यूजेज, आप देखना चाहते हो कि कितने परसेंट आपका GPU यूज हो रहा है, आप अपने ओवरऑल CPU का टेम्परेचर देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि आपका CPU इन गेम कितना ज्यादा यूज हो रहा है, आपकी RAM यूजेज कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इन गेम कितने FPS मिल रहे हैं, आपको एवरेज कितने FPS मिल रहे हैं, आपको मिनिमम कितने FPS मिल रहे हैं। तो जस्ट आपको उन चीजों को सिलेक्ट करके और शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले को ऑन करने के बाद इसे जस्ट अप्लाई कर देना है। अभी मेक श्योर जब आप वहां पर सारी सेटिंग को सेव करके उसे अप्लाई कर दो, तो इसे क्लोज नहीं करना। अगर क्लोज करोगे तो ये कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा और आपको यहां पर भी ये दिखाई नहीं देगा। तो इसे क्लोज नहीं करना, जस्ट इसे मिनिमाइज कर देना है। ये आपके सिस्टम ट्रे आइकॉन में चला जाएगा बिकॉज हम इसे बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं। अभी आपको जस्ट गेम को रन करना है और जो आपकी GPU की यूजेज होगी या जो जो चीजें आपने सेलेक्ट कर रखी हैं, वो सारी की सारी यहां पर आ जाएंगी। अभी किसी भी केस में अगर आप इस चीज को, मतलब जो ये आपका मॉनिटरिंग वाला सिस्टम है, आप इसे दूसरी साइड लेकर जाना चाहते हो, उस पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ेगा? तो उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए आपको चाहिए रीवा ट्यूनर स्टेटिस्टिक, जो हमने पहले इंस्टॉल कर लिया था, और यहां से जस्ट इस टॉप राइट कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेना है। और ये जो आपका मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, ये सारे का सारा आपके राइट हैंड साइड चला जाएगा। ऐसे में अगर आपके कुछ चीजें इस साइड आती हैं तो वो बची रहेंगी और आपका जितना भी मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा वो इस साइड चला जाएगा। आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि इस चीज का साइज क्या होना चाहिए। यहां से आप अपनी एप्लीकेशन को डिटेक्ट करने का लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हो। कई बार कई गेम्स में ये डिटेक्ट नहीं करता कि पर्टिकुलर गेम रन कर रही है, स्पेशली वो गेम्स जो बॉर्डरलेस चल रही है या फिर विंडो मोड में चल रही है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए आपको इसकी जो एप्लीकेशन डिटेक्शन लेवल है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, जो यहां से आप कर सकते।
सकते हो। प्लस अगर आप एम्यूलेटर जैसी चीजें यूज कर रहे हो और उन्हें डिटेक्ट करना चाहते हो तो जस्ट आपको ऐड पर करके उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप मॉनिटर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी एम्यूलेटर हो सकता है, निंटेंडो का एम्यूलेटर हो सकता है, प्लेस्टेशन का एम्यूलेटर हो सकता है, तो वो यहां से सिलेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करके आप MSI Afterburner को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप जितने भी स्टेप मैंने बताए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मोस्टली लोग सिर्फ अपने FPS देखने के लिए इसे यूज करते हैं, विच इज गुड, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ FPS नहीं दिखाता, ये काफी यूजफुल टूल है, स्पेशली तब जब आपको हार्डवेयर अपग्रेड करने की जरूरत होती है। प्लस इससे आप अपने GPU को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, जो फिलहाल तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन कर जरूर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा होता है मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना। मैं दूसरी बार कह रहा हूँ ना, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।